दोस्तों, क्या आप जानते हैं रहस्य से भरे महाभारत में कई ऐसी राजकुमारियां थीं जिन्होंने अवैध संबंध बनाए थे, यानी कि पतियों के होते हुए भी इन रानियों या पटरानियों ने दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए थे। अब यहां दिलचस्प बात तो यह है कि आखिर कौन थी वह रानियां। तो आपको बता दें कि इनमें से पहले नाम आता है एक बहुत ही प्रमुख पात्र मत्स्यगंधा का, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। सत्यवती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से राजा शांतनु उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। लेकिन बहुत से कम लोग यह बात जानते हैं कि सत्यवती का एक तीसरा पुत्र भी था और उसका नाम था व्यास। बता दें कि द्वापर युग के पराशर नाम के एक ऋषि यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, लेकिन उस दिन उस नाव पर मत्स्यगंधा थी। मछुआरे की जगह उसकी पुत्री सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती शुरुआत से ही देखने में काफी आकर्षक दिखती थी। ऋषि पराशर ने उनकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गए और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती इस बात से साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि विवाह के पहले संबंध बनाना धर्म के विपरीत है। पराशर ऋषि नहीं माने और उनसे बार बार संबंध बनाने के लिए कहने लगे। आखिरकार बाद में सत्यवती उनके साथ संबंध बनाने के लिए मान जाती हैं, लेकिन उससे पहले सत्यवती ने ऋषि के सामने तीन शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई ना देखे। ऐसे में ऋषि ने उस जगह को एक सुनसान द्वीप में परिवर्तित कर दिया, जहां पर कोई भी नहीं था। दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन किसी भी प्रकार से भंग नहीं होना चाहिए, जिससे ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि संतान होने के बाद उनका कुंवारापन पहले जैसा हो जाएगा। वहीं सत्यवती यह चाहती थी कि उनकी मछली जैसी दुर्गंध एक सुंदर खुशबू में बदल जाए। इसके बाद ऋषि ने उस द्वीप के चारों ओर एक सुगंधित वातावरण बना दिया। सभी शर्तें पूरी होने के बाद फिर सत्यवती और ऋषि पराशर ने वहीं संबंध स्थापित किया, जिससे कुछ महीनों बाद सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम व्यास रखा गया, वह जो आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि सत्यवती की तरह उनकी दोनों बहुओं को भी पराए पुरुष से ही पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, वह भी किसी और से नहीं, खुद सत्यवती के पुत्र वेद व्यास से। दरअसल दोस्तों, राजा शांतनु से सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। इन दोनों का विवाह अंबिका और अम्बालिका नाम की दो राजकुमारियों से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर और विचित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और उनसे अपने दोनों बहुए अंबिका और अम्बालिका से पुत्र प्राप्त करने का निवेदन किया। सबसे पहले महारानी ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को वेद व्यास के पास भेजा, लेकिन अंबिका उनके तेज से इतना डर जाती हैं कि अपने नेत्र बंद कर लेती हैं, जबकि छोटी रानी अंबिका वेद व्यास को देखकर सहम उठी। इसके बाद वेद व्यास लौटकर अपनी माँ सत्यवती को बताते हैं, माता, अंबिका को बेहद ही तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने की वजह से वह अंधा होगा, वहीं अम्बालिका के गर्भ से रोग ग्रस्त पुत्र होगा। यह सब सुनने के बाद सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेद व्यास के पास भेजा, लेकिन इस बार रानी ने खुद ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के पास गई, जिसके बाद वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को आकर बताया कि इस दासी के गर्भ से एक यजमान पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम विदुर रखा जाएगा। वही अंबिका से राजा ददराष्ट और अम्बालिका से राजा पांडु का जन्म हुआ। अब बात करते हैं महाराज पांडु की पत्नी कुंती की, जिन्हें लगभग हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब कुंती कुंवारी थी, तब उनके यहाँ एक ऋषि दुर्वासा आए थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के मंत्र दिए थे और उनसे यह कहा था
कि वह जब भी चाहे किसी देवता का इन मंत्रों द्वारा आवाहन करके उनके अंश को प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे में ऋषि दुर्वासा के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने एक दिन मंत्र को परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन तब राजकुमारी कुंती कुंवारी थी, इसीलिए उन्होंने लोग लज्जा के कारण कर्ण को गंगा जी में बहा दिया। आगे चलकर उनकी शादी महाराज पांडु से होती है। अब कुछ दिनों बाद कुंती को यह पता चलता है कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति पांडु को संतान नहीं हो सकती। इसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए गए मंत्रों की सहायता से पवन देव, इंद्रदेव और धर्मराज से गर्भ धारण किया, जिनसे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जो आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम माधुरी था, जिन्होंने कुंती से मंत्र लेकर अश्वनी कुमारों का आवाहन किया और उन्हें भी नकुल सहदेव के रूप में पुत्रों की प्राप्ति हुई।